Shanti, Shanti. Om Shankaram Shankaracharyam Keshavam Vadarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Guru Ratmeti Murti Veda Vibhagine Vyoma Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namah Om Shanti 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 Om Bhadram Karne Svastina Pusha Vishvaveda Svastina Starakshyo Arishtanemi Svastino Brahaspatir Dadatu Om Shanti Shanti Shanti. Gyarva Rasadayo hi ekosha Rasadayo hi ekosha Vyakhyatastaitiriyake Vyakhyatastaitiriyake Teshamatma paro jiva Teshamatma paro jiva Swayam yatha samprakashitaha Swayam yatha samprakashitaha Rasadayo hi ekosha Rasadayo hi ekosha Vyakhyatastaitiriyake Vyakhyatastaitiriyake Teshamatma paro jiva Teshamatma paro jiva Swayam yatha samprakashitaha Swayam yatha samprakashitaha Rasadayo hi ekosha Vyakhyataha taittiriyake Tesam atma paro jiva Swayam yatha samprakashita Taittiriya Upanishad mein पंच कोशों के बारे में बताया गया रसादयः अन्नमय आदि जो पांच कोश हैं उनका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया और उनके द्वारा वो जो जीव है उनका ऊपरा है ये सब चीजें प्रकाशित की गई हैं बताई गई है कल जो आप सुन रहे थे उसके साथ किसको कनेक्ट करें आत्मा माया के द्वारा अपने ही डिल्यूशन के द्वारा कोई अपने को बहुत दिखता बहुत है नहीं और दिखता है इसका मतलब इल्यूजन इस बात को क्लियर करने के लिए गौड़पाद जी ने एक उपनिषद की बात कही ये बात केवल लॉजिकली प्रूव्ड नहीं है ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं ये बात उपनिषद के द्वारा समझाने की उन्होंने कोशिश की तैत्तिरीय उपनिषद लिया उस तैत्तिरीय उपनिषद में आपने पंचकोश के बारे में पढ़ा
five seats. Rashadaya, rash matlab annamay kosh. To pahla, jo annamay kosh, pranamay kosh, manomay, vigyanmay, anandamay. To kosh karta kya hai? कोश मतलब सीट कवर करता है सोल्ड को कवर करता है यहां जो अन्नमय कोश है प्राणमय कोश है मनोमय कोश है पांच जो कोश हैं ये सब कवर करते हैं किसको कवर करते हैं कवर करते हैं सोल को लेकिन किस तरह से कवर करते हैं क्या ऐसे कवर करते हैं जैसे वो जो सोल्ड है उसको उसका सीट कवर करता है यहां वैसे कवर पॉसिबल नहीं है इसका अर्थ होता है कि जो सीत है वो सोर्ड से ज्यादा बड़ा होता है तो जो आप अन्न में प्राण में मनो में कोश है ये सब के सब उससे बड़े होने चाहिए कॉन्शियसनेस आत्मा से बड़े हो तभी तो कवर करेंगे ये कवर ही तब कर पाएंगे जो उससे उनका साइज बड़ा हो बिगर हो किससे कवर करेंगे तो कहने का मतलब क्या है कैसे किस तरह से कवर करते हैं रसाद यो ये भार कोशः अन्नमय प्राणमय जो कोश हैं इस आत्मा को कवर करते हैं तो किस तरह करते हैं तो जो जो कोश आत्मा के नजदीक है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और जो उससे दूर है तो जैसे अन्नमय कोश है अन्नमय कोश या रस लिखा रस अन्न कोई रस बोलते हैं वो जो कोश है उससे ज्यादा सेटलर है प्राणमय कोश अन्नमय मीन्स ग्रॉस बॉडी एक सीत ये आत्मा को कवर करता है ये तो आपको फिर भी समझ में आ गया चलो ठीक है इतने बॉडी ने हमारी जो आत्मा को अंदर में रखा हुआ इस बॉडी के अंदर में आत्मा छिपके बैठ गया लेकिन इससे ज्यादा इस बॉडी से ज्यादा सेटलर है प्राण प्राणमय कोश इस बॉडी के बाद प्राण ने उसको कवर किया है तो बॉडी में कहीं पर आत्मा छिपके बैठ गया तो थोड़ा समझ सकते हैं नहीं प्राण में कहां पर छिपके बैठ गया प्राण कहां शरीर बॉडी में इस बॉडी के अंदर में यहां तक तो ठीक है कि बॉडी के अंदर में आत्मा है लेकिन इसके इसके पहले बॉडी के बाद और उसको कवर कौन कर रहा है प्राण प्राणमय कोश उसने भी कवर किया तो प्राणमय कोश कवर करता है इसका मतलब है कि प्राण के अंदर छिपा बैठा प्राण उसकी लिमिट तो प्राण कैसे कवर करेगा उसको प्राण है रहता किधर है बाहर है भीतर है किधर है बाहर भी है भीतर भी है तो प्राण की अपनी कोई स्थिति ठीक साफ नहीं कहां पर है लेकिन वो प्राण में कोश आत्मा को कवर करता है प्राण में और उससे ज्यादा सेटलर है मन मनोमय कोश
उस मनोमय कोष के अंदर वो और उसके अंदर छिपा है, इसकी कोई लोकेशन नहीं है कि माइंड कहां पर है, जहां पर जाके उस आत्मा को ढूंढा जाए। तो माइंड इज द सेटलर देन प्राण, उसने इसको कवर अप किया हुआ है। और उससे भी ज्यादा सटल है क्या, इंटेलेक्ट, जो माइंड को कंट्रोल करता है। उसका कोई लोकेशन नहीं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं हमको। और उससे ज्यादा सटलर है आनंद। अब इसको ऐसे समझो, तो कवर अप कैसे हो, कैसे कवर करते हैं ये कवर कैसे करते है? फिर आत्मा इतना ज्यादा सूक्ष्म बता दिया जाता, इतना ज्यादा सटल है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि पहले तुमको कवर ही नहीं दिखता। यहां तक तो ठीक है, इस बॉडी के अंदर में कॉन्शियसनेस है, आज और कंफ्यूजन होने वाला है, नया कंफ्यूजन, फिर फ्यूजन ही फ्यूजन बचेगा। तो इस बॉडी के अंदर में आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्य, चलो समझ में आ गया। इसके अंदर में छिपके बैठा हुआ कहीं, डर गया बहुत, क्यों डरा मालूम नहीं, लेकिन इस बॉडी के अंदर कहीं बैठ गया। तो कुछ लोग इस बॉडी के लेवल पर आत्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस बॉडी के अंदर में आत्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो नास्तिक है इस बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ उसको, बॉडी को, इसके लिए पूरे के पूरे आयुर्वेद, पूरे मेडिसिन, इस बॉडी के लेवल पर ही आत्मा को ट्रीट करते हैं। कुछ मेंटल लेवल तक जाते हैं। कवरिंग का मतलब हुआ कि आइडेंटिफाई, कोई ऐसा कवर नहीं कि उसको ढक्के रख दिया, जैसे आप सब्जी को रोटी को ढक्के रख देते। कवरिंग का अर्थ है कि आइडेंटिफिकेशन, देखना आत्मा को था और दिख रहा है वो बॉडी, इट मींस कवरिंग। सीत, देखना आत्मा को था, दिख रहा है बॉडी। तो कुछ लोग बॉडी के लेवल पर ट्रीट करते हैं, वो कहते हैं ये आत्मा यहां पर। फिर कुछ दूसरे लोग आए, योगी लोग आए, वे लोग माइंड के लेवल पर आत्मा को ढूंढ। इफ योर माइंड डिजोल्व्ड, आप योगी हो गए। योग क्या करेगा, योग इतना करेगा कि आपका जो माइंड है उस माइंड को खत्म कर दे, थॉटलेसनेस, ऐसे बहुत से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और क्या क्या चीजें चल रही है। तो उनका टारगेट होता है आपका माइंड। योग के द्वारा जिस जो की जाती चीजें उस पर केवल टारगेट होता है माइंड। आपका माइंड बहुत रेस्टलेसनेस है, आप योगा करो, ये करो, यो करो, माइंड विल बी बिकम क्वाइट। माइंड क्वाइट हो गया, माइंड शांत हो गया, आप समाधि में पहुंच गए, बात खत्म। तो जो दूसरे योगा वाले, योग शास्त्र है, योग दर्शन है, वो क्या करेगा कि माइंड के लेवल को करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वहां पर उस कॉन्शियसनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है किससे, माइंड के साथ।
कोशिश करते किसी तरह माइंड बस क्वाइट हो जाए और कोई मतलब नहीं, माइंड क्वाइट हो जाना चाहिए। और माइंड क्वाइट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, फॉर व्हाट? ओनली फॉर माइंड, माइंड के लिए। माइंड क्वाइट हो गया आपको और कुछ क्या चाहिए? योग दर्शन का, योग फिलोसफी का इतनी पार्ट है, योग रिलेट करता है आपके माइंड के साथ। तो दूसरा जो कोश है उस कोश को जाके प्राप्त करते हैं योग में। आप रेस्ट ले सकते हैं उसको, तो बॉडी करेक्ट आपने किया, योगा किया, थोड़े आसन किए, ये किया, और उसके बाद माइंड में चले गए। तो योग शास्त्र वाले माइंड तक काम करते हैं। इसको ठीक करो, तो कुछ लोग बॉडी के लेवल पर रहेंगे, कुछ लोग थोड़े और प्राण के लेवल तक जाएंगे। प्राण ही है जो कॉन्शियसनेस, प्राण चल रहा है यू आर, प्राण नहीं तो आप खत्म। यहां तक बहुत ऊपर की बातें हो गई थी, अन्न में देख लिया, प्राण में देख लिया, बॉडी को देख लिया तो आत्मा को देख लिया, प्राण को समझा, आत्मा को समझ लिया, ब्रीदिंग सिस्टम काम कर रहा है, सो यू आर अलाइव, इट नॉट, खत्म। तो प्राण और ये जो पहली बॉडी है ये काफी ऊपर के लेयर है। योग फिलोसफी ये आगे बात करेगी कहां पर, कि आपके माइंड के लेवल इसी तरह से बस, और कुछ नहीं चाहिए, माइंड बस शांत हो जाए, पीस ऑफ द माइंड, और कुछ नहीं चाहिए, पीस ऑफ द माइंड। माइंड क्वाइट हो जाए तो इसके लिए हमें जो करना पड़ता है करते। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है विज्ञान में। विज्ञान में क्या होता है कि आप पुण्य करते हो, यज्ञ करते हो, इंटेलेक्ट इसलिए करते हो, ये हम पुण्य करेंगे, मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे। यहां पर उस कॉन्शियसनेस को इंटेलेक्ट के साथ जोड़ दिया, विज्ञान के साथ जोड़ दिया, यज्ञ करेंगे, पुण्य करेंगे तो इसके बाद स्वर्ग में जाएंगे, नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। और फिर होता है कार्य ब्रह्म की उपासना आनंद में। हिरण्य गर्भ की उपासना, उपासना जो रिचुअल्स उसमें बहुत फिर फर्क है, आप ऊपर से करते अंदर से करते। हिरण्य गर्भ आदि की जो उपासना है वो उपासना आनंद में। ये आनंद में क्या है, जिससे अब आप इस स्थिति में पहुंच गए कि मुझे अभी किसी भगवान की जरूरत नहीं, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम इन ब्लिस। मेडिटेशन ही जैसे इसको आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपका टारगेट बन गया। अभी तो हम इसलिए बैठते हैं कि बैठेंगे थोड़ी देर तो आराम रहेगा, दिन में शांति रहेगी, लेकिन हिरण्य गर्भ की उपासना की जो उपनिषदों में बातें की जाती हैं, उस उपासना का फल क्या होगा, आनंद में। ये आनंद में और आनंद में फर्क समझ लेना, ये बहुत वहां पर कंफ्यूजन होता है जाकर के। आनंदमय का अर्थ होता है आनंद कभी होता है कभी नहीं होता, कभी आनंद होता है कभी नहीं होता, लेकिन
और जो कभी होता है कभी नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि वो पूरा नहीं है। इट कम्स एंड गोस। फिर वो आत्मा तो नहीं है। अब आप एक बार पांचों चीजों को ध्यान में ले लें, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। आनंदमय के आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। आई एम सेटिस्फाइड, व्हाई शुड आई ट्राई। योगी अपने योग लगा के बैठे हुए समाधि में, हम आनंद तक जाते हैं। उपनिषद सत्य तक जाने की कोशिश करता है, सत्य तक। व्हाट इज द ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जब जो लोग बॉडी लेवल पर बात करते हैं, वे बॉडी को, प्राण को आत्मा समझते हैं। योगी लोग माइंड तक जाते हैं। हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले इंटेलेक्ट तक जाएंगे। ये कर्म स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे और आनंदमय तक जाएंगे, हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले। इसके आगे की बात बस बोले, अभी हमको क्यों चाहिए कुछ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। मैं जो कर रहा हूं ठीक है, मैं आनंद में हूं। उपनिषद कहता है कि नहीं, हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाना है। वो आनंद में है तो भी ठीक है, दुख में है तो भी ठीक है, हमें उससे सवाल, आनंद से मतलब नहीं है। जो ट्रुथ है, जैसा भी उसका नेचर है, ये तो चलो अच्छी बात है कि आनंद में है, आनंद स्वरूप है। यदि वो आनंद स्वरूप नहीं भी होता तो हमारा तो टारगेट वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हमारा टारगेट आनंद नहीं है। वो आनंद हो गया तो उसकी मर्जी है। तो कोई बॉडी, प्राण, मन वहीं पर जहां मिला ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। यदि मैं कहीं पर संतुष्ट हूं तो मैं आगे कोशिश नहीं करता, खत्म बात, व्हाट एवर आई डोंट माइंड। हमारा टारगेट उतना होता है जहां हम खुश हैं। तो जो लोग बॉडी के लेवल पर खुश हैं, बोले ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए खुश। प्राण के लेवल पर खुश हैं तो क्यों ट्राई करें ना, वी आर हैप्पी, एब्सोल्युटली हैप्पी। योगी लोग कहते नहीं नहीं, इतना हैप्पीनेस कम है, ये हैप्पीनेस बहुत कम है, इसको छोड़ो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, एंड पीस ऑफ द माइंड उसके लिए जाओ, माइंड क्वाइट हो गया, वी आर हैप्पी। हैप्पीनेस चाहिए, नॉट ट्रूथ। बेसिक जो डिफरेंस समझो आप, बेसिक डिफरेंस है। ये सब लोग क्या चाह रहे हैं, हैप्पीनेस। यदि कोई बॉडी लेवल पर हैप्पी है तो ठीक है, उसको उपनिषद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, योगा करने की कोई जरूरत नहीं। योगा तब करना है जब लगता है कि भाई बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसे जीना कठिन हो रहा है, देन वी ट्राई योगा फॉर हैप्पीनेस, नथिंग एल्स। यदि माइंड क्वाइट हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, यदि क्वाइट नहीं हुआ तो योगा काम नहीं कर रहा, तो दूसरा ट्राई करो, बिकॉज वी वांट जस्ट हैप्पीनेस। हमें योगा से मतलब नहीं है, हमें हैप्पीनेस से मतलब है। यदि किसी ने कहा हैप्पीनेस योगा से मिलेगा तो भी ट्राई, नहीं तो कुछ और ट्राई करते। सो वी डज नॉट बिलीव इन योगा, वी बिलीव इन हैप्पीनेस।
फिर किसी ने कहा नेक्स्ट स्टेप में ये तुम ये रिचुअल्स करो, कर्मकांड करो, यज्ञ करो, मरने के बाद तुम्हें बहुत बड़े सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा। इंटेलेक्ट लेवल पर फिर हम वो ट्राई करते, मिलता है। फिर और डीप हम उपासना करते हैं, कार्य ब्रह्म की, हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, उससे जाकर के स्वर्ग से भी बहुत बड़ा सुख मिलता है। तो हमारा टारगेट हैप्पीनेस, आनंदमय कोष, वहां तक गए, जाने के बाद हम खुश हो गए, अब नहीं चाहिए, अब और ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ से मतलब दे, हमें मतलब केवल हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस जिस लेवल पर भी हमको सेटिस्फाई कर सके हम वहां रुक जाते हैं। यदि बॉडी लेवल पर हम सेटिस्फाई हो गए देन ओके, प्राण में हो गए ठीक है, मेंटल लेवल पर हो गए, इंटेलेक्ट में हो गए और आनंद में हो गए, कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ, तो हम भाई खुश। उपनिषद उपनिषद आनंद की तरफ कोशिश नहीं करता, उस सत्य की तरफ कोशिश करता है। सत्य क्या, ट्रुथ क्या, व्हाट द ट्रुथ, उसको जानो। सत्यम परम, जो परम है, जो सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो क्या, उसकी उसका उसको देखो। आप इसलिए एक जगह आप सेटिस्फाई नहीं तो दूसरे में जाते हो, दूसरे में नहीं तो तीसरे में जाते हो, ट्राई ट्राई ट्राई। उपनिषद कहता है, गौड़पाद जी कहते हैं कि आप इस पर नहीं रुकते हैं, हम जाते हैं, हम जान हमारी कोशिश जानने की है एब्सोल्यूट ट्रुथ की, रिलेटिवली नहीं। तो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यदि वो दुख रूप है तो भी हमें जानना है, हमें जानना है व्हाट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अल्टीमेटली हमें जानना वो है जो ट्रुथ है, और यदि दुख रूप है तो भी हमें जानना है। अभी तो अच्छी बात है कि वो परम आनंद स्वरूप, ये अच्छी बात है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं भी होता तो भी कहते हैं हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ जानना, और ये आप कोशिश करते हो ट्रुथ जानने की। सच्चाई बताओ, जो जो भी चीजें आप बताओ सही बताओ क्या है। किसी भी लेवल पर आप ट्राई करते हो कि जो भी ट्रुथ हमें मालूम होना चाहिए, जो भी सत्य है हमें मालूम होना चाहिए कि क्या चीज है। उपनिषद कहता है तो स्पिरिचुअल जो सर्चिंग चल रही है, स्पिरिचुअल जो सीकर है, तो उसमें बहुत सारे लोग तो वही लोग हैं जिनको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। जैसे हम संसार में ढूंढते हैं बॉडी लेवल पर, यहां पर हम जरा लगा ठीक नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, देन बिठ रहा है अपर लेवल, मेंटल लेवल, योगा करेंगे, योगा को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें योगा से मतलब नहीं है, हमें मतलब हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस के लिए हमको योगा करना पड़ेगा, करेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट उपनिषद डज, उपनिषद कहता है कि तुम्हें एब्सोल्यूट ट्रुथ्स को जानना, ट्रुथ को जानना। यदि ट्रुथ जो भी ट्रुथ जैसा भी है, जैसा भी है, यदि उसको जानने के बाद तुम्हें दुख होता तो भी जानो। किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका बेटा मर गया, उसको जानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। एब्सोल्यूट जो ट्रुथ हो जानना तो पड़ेगा और फेस करना चाहिए आपको। तो किसी भी लेवल पर ट्रुथ को जानना जरूरी होता,
कब तक आप अज्ञान डिल्यूजन में रह सकते हो, कब तक? इसलिए ज्यादा चाहे जितनी जल्दी जो ट्रूथ है उसको समझ लिया जाए, समझ लेना चाहिए। तो ये जो ट्रूथ है रिलेटिवली है, उपनिषद ट्राई करता है एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने की। एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने के लिए ट्राई करता है, और उस एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने के लिए अब ये बात अलग है कि वो आनंद स्वरूप है। यदि नहीं भी होता तो भी जानते हो वही ट्रूथ को। यहां तैत्तिरीय उपनिषद में प्रसाद यो ही यो कोशा व्याख्यात तैत्तिरीय के तेसा महात्मा परो जीव स्वयं यथा प्रशम प्रकाशित। अब इन पांचों के अंदर जो फाइव लेयर्स है, लेयर्स मीन्स फिर आप ध्यान रखना आइडेंटिफिकेशन, ऐसा नहीं ये के बाद फिर कपड़ा डाल लिया और ढक दिया और ढक दिया कहीं बाहर निकलने चला जाए। आइडेंटिफिकेशन, यदि हमारा आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ है, बॉडी इज द सोल, तो हम अन्नमय कोश में रह रहे हैं। प्राण के साथ है देन वी लिव, प्राण में ले। यहां लिखा है गौड़ पर तेसा महात्मा परो जीव, इसका नाम जीव क्यों पड़ा? जीव इसलिए पड़ा ये पांचों कोशों को जीवन देता है, एनर्जी देता है। ये जो आत्मा है, ये जो पांच फाइव सीट्स, इन पांचों सीट्स को वो क्या देता है? एनर्जी देता है। इसके कारण जीवन है, जीवन कॉन्शियसनेस इसके कारण है। तो जो जो आत्मा के ज्यादा नजदीक उसमें ज्यादा एनर्जी दिखाई पड़ती है आत्मा की, बॉडी बहुत दूर है। इसलिए बॉडी में उतना नहीं दिखता है। आप थोड़ा विचार करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा बॉडी का तरीका, बहुत दूर है। बॉडी से ज्यादा आपको एनर्जी आत्मा की दिखाई पड़ेगी प्राण में, और पर नजदीक है। जैसे जैसे उसके नियर जाते रहोगे वैसे वैसे आत्मा की एनर्जी और ज्यादा दिखाई पड़ेगी। वहां अभी भेद करना और मुश्किल हो जाएगा। तेसाम परो जीवा, गौड़पाद जी कहते हैं उस आत्मा ने इन सबको जीवन दिया हुआ, इन उसके कारण जीवन वाले हैं। इनके अंदर एनर्जी जो दिख रही है वो सब आत्मा के आ रही है। यदि आप बॉडी लेवल पर देखोगे तो जल्दी चीज आप समझ जाओगे, नहीं है दिस नॉट सो। लेकिन प्राण जाके समझने जाओगे तो थोड़ा वहां प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि और नजदीक है अन्नमय प्राणमय, और आनंद में तो जाके सभी टिक जाते हैं। इसके आगे जरूरत नहीं, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, आगे क्यों जाना है? आनंद में, इसलिए आनंद में कोश समझना बड़ा कठिन हो जाता है लोगों को। ये आनंद में और आप आत्मा में फर्क क्या है? पीछे की कारिका में आपको कल भी बता रहा था, गौड़पाद जी कहते नाश्वाद ये सुखम तत्व। वहां पर जब यदि कोई योगी समाधि में जाता है, समाधि में जाने के बाद उसको वहां रुकना नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए। वहां पर जाकर के अटैच नहीं होना चाहिए, वहां से निकलो। वो भी एक तरह की दुनिया है, वो भी एक तरह का वर्ल्ड है। तो आनंद और आनंदमय कोश, इन सबको प्राण कौन देता है, ताकत कौन देता है? तो बोलते आत्मा। तो गौड़पाद जी कहते हैं कि आत्मा ये पांच कोशों से जो ढकी हुई है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कवर, इसका अर्थ है आत्मा का आपने आइडेंटिफिकेशन इनके साथ में कर लिया, और इनको शक्ति ताकत एनर्जी कहां से मिलती है? आत्मा से ही मिलती है। तेसाम आत्मा परो जीवा, इसलिए उसका नाम जीव पड़ जाता है, इसलिए उसको हम जीव कहने लगते हैं, जो जीवन देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है,
इसलिए उसका नाम पड़ गया जीव. किसका? आत्मा का. कॉन्शियसनेस का. कॉन्शियसनेस जीव हुआ नहीं, उसका नाम रख दिया गया. इसलिए नाम रखा कि वह जीवन देता है, एनर्जी देता है शरीर को, एनर्जी देता है प्राण को, माइंड को, इंटेलेक्ट को. इसलिए उसका नाम रख देते हैं जीव. अगला मंत्र देखिए. द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञानम परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्या मुदरे चैव यथा काशा प्रकाशितः द्वयोर द्वयोर मधुर ज्ञानम परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्या मुदरे चैव यथा काशा प्रकाशता प्रकाशितः. अब उसी चीज को दूसरे उपनिषद के तरीके से बता रहे हैं. तो कोष का जो पंच कोष है उस पर हमने जो बातें की है बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि पंच कोष क्या है, जो गौड़पाद जी ने, शंकराचार्य जी ने भाष्य में उसको जो एक्सप्लेन किया थोड़ा. ये पंच कोष केवल आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन. कुछ समझना और था, समझ कुछ और लिया, ये उसका खबर और कुछ नहीं. ऐसा मत समझना कि आत्मा को ढक्के रख दिया. अब गौड़पाद जी अपनी बात को बताने के लिए दूसरे उपनिषद की एक और बात बता रहे, क्योंकि गौड़पाद जी जो कहते हैं लॉजिकली प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली प्रूफ करने के लिए भी ये बात बता करके कि जो मैं कह रहा हूं वो शास्त्र की बात कर रहा, शास्त्र की ही बात कह रहा हूं. अब उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद की बात बताई. बृहदारण्यक उपनिषद में एक मधु विद्या थी, मैंने पहले कभी लिया था. मधु विद्या, मधु मीन्स हनी. द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञानम परम ब्रह्म प्रकाशितम. तो वह मधु विद्या की बात की गई थी और उस मधु विद्या में एक जो बात है, तो लंबे प्रकरण है लेकिन जो यहां पर रेफरेंस वो ये है, वहां एक बात ये बताई गई कि आप तीन तरह से चीजों को समझो, एक आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत. अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत. जैसे सूर्य, चंद्रमा है, अग्नि है, तो एक तो सूर्य देवता है, सूर्य देवता है और एक जो उसका अधिदैव रूप है, एक सूर्य मंडल है जो उसका अधिदैव रूप अधिभूत रूप है और एक सूर्य का अंश आपके अंदर है वो उसका अध्यात्म रूप है. अध्यात्म मीन्स इन योर बॉडी. मैंने पहले भी आपको कभी बोला कि अध्यात्म का वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अध्यात्म. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट करेक्ट ट्रांसलेशन. अध्यात्म, अध्यात्म अधि आत्म, आत्म मीन्स बॉडी. इन संस्कृत
आत्म शब्द के कई मीनिंग हैं, कम से कम चार तो समझो। तो यहां पर जब हम अध्यात्म बोलते हैं तो अध्यात्म क्या अर्थ होते हैं, अधि मीन्स इन, इन आत्म मीन्स बॉडी, सो अध्यात्म मीन्स इन बॉडी। जब आप बॉडी के अंदर में जाते हो विचार करके तो उसको बोलते अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं, करना पड़ता है, लेकिन है नहीं। जब एक ही उस कॉन्शियसनेस को हम तीन एस्पेक्ट में देखते हैं, उस कॉन्शियसनेस को हम तीन एस्पेक्ट में देखते हैं तो एक का नाम होगा अध्यात्म। अध्यात्म मतलब इन बॉडी। जब उस कॉन्शियसनेस को हम बॉडी के अंदर देखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, अध्यात्म। जब उस कॉन्शियसनेस को हम बाहर देखते हैं बॉडी से बाहर, तो बॉडी द पार्टीशन। तो जब बॉडी के अंदर आप देखते हो उसी उस कॉन्शियसनेस को, जब बॉडी के अंदर देखते हैं किसी भी तरीके से, इट कॉल्ड अध्यात्म। बॉडी के बाहर जब उसको देखते हैं उसी कॉन्शियसनेस को, जब बॉडी की, क्योंकि हम तो कॉन्शियसनेस एवरीवेयर, थ्री एस्पेक्ट्स। बॉडी के अंदर देखते हैं तो हम कहते हैं क्या हुआ, अध्यात्म। बॉडी के बाहर देखते हैं, एक जो सूरज का आप देखते हो पूरा एक आकार है, जो सनसेट होता है सनराइज होता है अभी तक हो रहा है, इतना साइंस आगे बढ़ गया है, लोग कहते धरती घूम रही है तो भी बोलते नहीं घूमने दो, होगा तो सनसेट होगा सनराइज होगा, धरती थोड़ी राइज होती है। तो जब उस हम उसको वैसे देखते हैं, एक सोलर सिस्टम की तरह से देखते हैं एक, तो उसको उसी कॉन्शियसनेस को, तो क्या बोला जाएगा, ये इसको बोलेंगे अधिभूत, अधिभूत बोलेंगे। और जब थर्ड एस्पेक्ट हम देखते हैं उसको बोलते हैं अधिदैव, जब हम कहते हैं सूर्य जो है देवता है, सूर्य देवता है और उसके लिए स्वर्ग में रहते हैं, उनके घोड़े हैं रथ है, ऐसे बैठ के ट्रेवल करते हैं, ऐसे जाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हनुमान जी को पढ़ाया इसको किया। तो जब तो उस एक ही कॉन्शियसनेस के हम तीन एस्पेक्ट समझते हैं, ये तीनों के लिए आप जोड़ेंगे तब आप स्पिरिचुअलिटी है, ये तीनों स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट पर बात कर रहे हैं। तो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो हमारे यहां जो आत्मा पर बात है वो बहुत गहरी केवल अंदर नहीं है, हम आत्मा को केवल अंदर थोड़ी मानते हैं, आत्मा अंदर भी है। तो जब उस कॉन्शियसनेस को हम बॉडी के अंदर विचार करते हैं तो वो कॉन्शियसनेस उस समय बॉडी के अंदर है, उस समय कहा जाता है इसको अध्यात्म। जब उस कॉन्शियसनेस को उसी चैतन्य को हम एक पर्टिकुलर पार्ट के रूप में बाहर दुनिया में देखते हैं, सूर्य को देख रहे हैं, उसको कहा जाएगा ये अधिदैव अधिभूत। और जब उसको हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य देवता है, ऐसा घोड़ा ऐसे रथ है ज्ञान देते हैं, उसको बोलेंगे अधिदैव। तो तीन एस्पेक्ट हैं उस एक कॉन्शियसनेस को देखने के लिए, वो भी देखने के लिए, इसका पूरा मतलब नहीं है। यहां गौड़पाद जी ने जो मधु विद्या का उदाहरण दिया है, द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञानम परम ब्रह्म प्रकाशितम, इन्होंने पृथ्वी का दृष्टांत दिया, पृथ्वी अब किसी के साथ भी चीजें अप्लाई कर सकते, आकाश के साथ किसी के साथ भी,
क्योंकि कॉन्शियसनेस तो पूरी तरह है एवरीवेयर. तो जब उस कॉन्शियसनेस को हम बॉडी के अंदर देखते हैं, पृथ्वी के रूप से देखते हैं, पृथ्वी का एग्जांपल दिया, पृथ्वी के रूप से देखते हैं, ये पृथ्वी जो आप जिस पर बैठे हो, चल रहे हो, ये पृथ्वी क्या अधिभूत, अधिभूत. और इस पृथ्वी को हम देवता मानते, नमस्कार करते हैं, देवी है ये, उसका अधिदैव कि पृथ्वी देवी है. और वो पृथ्वी का एक हिस्सा हमारे पेट में है, वो अध्यात्म है. उस यहां गौड़पा जी लिखते हैं, द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञानम परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्या मुदरे चैव यथा काश प्रकाशिता. तो जैसे कोई भी आप किसी चीज को समझो, उस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए मधु विद्या बहुत अच्छी है और हमारे बहुत क्लियर विजन है. कोई बिना विचारे करे तो अलग चीज है, बहुत क्लियर है. इसलिए तीन उसके एस्पेक्ट होते हैं, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव. तीन जो नाम दिए गए हैं, तीन एस्पेक्ट दिए गए, लेकिन कॉन्शियसनेस इधर से, उसमें कोई फर्क, आप किधर से देख रहे हो, किधर से देख रहे हो, वो चेंज नहीं होता. केवल आपका विजन चेंज किया, अपना एस्पेक्ट चेंज किया किसी को भी. तो गौड़पा जी कहते हैं इसी बात को बताने के लिए कि जैसे सब जगह एक ही आत्मा है, लेकिन वो आत्मा आपको अलग अलग क्यों दिख रहा है. एक रीजन तो दिया, पांच कोष की वजह से. पांच कोष, कहीं बॉडी को मान लिया, कहीं इंटेलेक्ट को माना, कहीं माइंड को समझ लिया, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो गया. दूसरा एग्जांपल दिया मधु का, कि मधु विद्या के द्वारा आप समझो एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही चैतन्य है, एक ही परमात्मा है, उसको आप तीन एस्पेक्ट्स में देखते हो. तो जब बॉडी के अंदर में देखते हो, तो एग्जांपल ये यहां पर इनके जो आपको दिखता है अभी कॉन्शियसनेस को, तो आपको समझना है जो चीजें इजीली समझी जा सकती है, पहले उनको बताया गया कि जैसे पृथ्वी का दिया कि पृथ्वी, तो पृथ्वी के तीन एस्पेक्ट, तीन तरह से हम पृथ्वी को समझ सकते हैं. एक है कि जो पृथ्वी ये है, इसको बोलेंगे अधिभूत, बेसिक एलिमेंट्स में अधिभूत है, सबको पता है, सब मानते, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता इसके साथ है. और इसके साथ ये भी मानने में ज्यादा दिक्कत नहीं है कि जो पृथ्वी है वही पृथ्वी आपके पेट में, जो भी आप फ्रूट खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, सब पृथ्वी था. जो भी हम खा रहे हैं, पेट में जा रहा है, ये पृथ्वी, इसको पार्थिव बोलेंगे. तो ये जो कुछ भी खाया जा रहा है सब क्या है, पृथ्वी है. तो पेट के अंदर पूरी बॉडी का जो पार्थिव हिस्सा ज्यादा है ना, बाकी एलिमेंट्स कम है, लेकिन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, पृथ्वी. अर्थ का बहुत सारा हिस्सा है, वाटर भी है, फायर भी है, सब है, लेकिन ज्यादा पृथ्वी है. तो ये पृथ्वी का एस्पेक्ट ही है जो सब समझते हैं, लेकिन जिसको थोड़ी समझ कम है वो कहता है ये हम पृथ्वी थोड़ी. लेकिन आप समझ सकते हो कि जो पृथ्वी है वही पृथ्वी आपकी बॉडी में आ गई. और तीसरा जो एस्पेक्ट है, इसको अधिदैव रूप से मानते हैं, पृथ्वी देवी है. अब डिपेंड करता कितनी समझ है. इतनी समझ तो सब को, किसको पृथ्वी बोलते, इतनी समझ सबको. लेकिन जो बहुत कम समझ रखते हैं उनको ये तो पता चलता है पृथ्वी है,
कि ये पता नहीं चलता शरीर में भी पृथ्वी है. पृथ्वी मीन्स अर्थ. द सेम अर्थ इज इन अवर बॉडी दे कांट अंडरस्टैंड बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज. यहां तक कि चलो ठीक है, साइंस समझा दे और आप पढ़ लोगे तो भी पता चल जाएगा कि वही पृथ्वी यहां पर है और वही पृथ्वी हमारी बॉडी में भी. लेकिन जो थर्ड एस्पेक्ट है थोड़ा और मुश्किल है, ये समझ लेना कि पृथ्वी कॉन्शियस. देवता है चंद्रमा, इसलिए वेद में लिखा है चंद्रमा देवता सूर्यो देवता. इसमें बहुत क्लियर मंत्र है, ये सब देवता है. देवता का अर्थ कॉन्शियसनेस. तो जैसे एक ही अर्थ को, एक ही पृथ्वी को आप तीन एस्पेक्ट में समझते हो. अब ये लिखा द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञानम पर ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्या मुदरे चैव यथाकाशात् प्रकाशितः. इसी तरह आकाश को समझ लो, इसी तरह आकाश को समझो स्कार स्पेस. एक स्पेस तो बाहर है और एक बॉडी के अंदर है, उसको घटाकाश बोल दिया. बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो स्पेस है, बॉडी के बाहर जो स्पेस है. अब केवल इतना कहेंगे बॉडी के अंदर जब स्पेस को आप समझेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये अध्यात्म है. किसी भी चीज को, केवल आत्मा की बात नहीं है, अंदर बॉडी के अंदर जो कुछ भी आप कर देखते हैं समझते हैं सब अध्यात्म. अध्यात्म का इतने मीनिंग है. और बॉडी के बाद जब भी आप उसको देखते हो तो याद अधिभूत, जैसे स्पेस अधिभूत है. और यदि आप और तीसरा एस्पेक्ट समझ सकते हैं, आकाश देवता है. आकाशो चंद्रमा देवता सूर्यो देवता आकाश देवता, वेद में ऐसे मंत्र. अब बोले हमने आकाश देवता नहीं मानेंगे, पृथ्वी को देवता मत नहीं मानेंगे, तो मत मानो. नहीं मानोगे तो मत मानो, ये आपकी समझ, ये उस व्यक्ति की समझ पर डिपेंड करता हो कितना समझ सकता है, इसकी कैपेसिटी पर है कि कितना समझ सकता है. वो कहता हम देवता नहीं मानेंगे तो मत मानो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती. अब आकाश प्रकाश, ठीक उसी तरह से अब इस कॉन्शियसनेस पर विचार करें. यहां पर दिए द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञानम पर ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्या मुदरे चैव यथाकाश प्रकाशिता. अब इसी तरह से उस कॉन्शियसनेस पर विचार करें कि जैसे स्पेस पूरी तरह से भरा हुआ और उस स्पेस का एक हिस्सा समझो आपकी बॉडी में भी है. स्पेस है तभी तो हम लोग खा पाते, बोले आप जगह नहीं, आई एम फुल. फुल का क्या हुआ, पहले स्पेस था अब नहीं रहा. तो जो अंदर स्पेस है और जो बाहर स्पेस है, जो अंदर स्पेस है और बाहर स्पेस है, उसमें केवल बॉडी पार्टीशन आ गए. अंदर बाहर स्पेस में कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ बॉडी. इन एंड आउट स्पेस में जब हम कहते इन एंड आउट बिकॉज बॉडी, बॉडी की वजह से इतनी चीजें कोई समझ सकता है. लेकिन आकाश देवता ये समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए. अब ठीक आकाश की तरह समझो कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस चैतन्य आकाश से छोटा तो नहीं होगा. जब उससे आकाश पैदा हुआ तो आकाश से बड़ा होना चाहिए. तस्मात आकाश संभूता, उस कॉन्शियसनेस से आकाश हुआ तो वो कॉज आकाश इफेक्ट. मुश्किल क्या होती है, कहीं टॉप लेवल पर बात होती है, कभी एकदम नीचे आ जाती है.
लेकिन दोनों बातें करनी पड़ेगी। तो ये जो स्पेस है, जैसे स्पेस आपके बॉडी के अंदर में भी है, बाहर में भी है। और तीसरा एस्पेक्ट आप जो समझते हो कि ये देवता है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इतनी बातें समझने में ज्यादा दिक्कत हुई। आप इसी तरह आप समझो कॉन्शियसनेस, चैतन्य, आत्मा, भगवान है, वो भी क्या ऑल परवेट्स। तो आपके बॉडी के अंदर में भी है और बॉडी के बाहर में भी है। सो इट इज क्लियर नाउ? अब तो नहीं पूछो कमंडल लेकर के हुआ हमारा। तो बॉडी के अंदर जब वो कॉन्शियसनेस है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। और बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसको बोलेंगे बस चैतन्य, प्योर। और वो कॉन्शियसनेस है, ये आपको थर्ड एस्पेक्ट अपनी तरफ से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थर्ड तीनों एस्पेक्ट अप्लाई नहीं करते। श्री गौड़ीपा जी दो दो लिखते हैं कि उस कॉन्शियसनेस को आप कैसे, एक तो बॉडी के अंदर है और एक बॉडी के, सो बॉडी इज द डिवीजन, कॉन्शियस इज नॉट डिवाइडेड। हमने क्या किया कि बॉडी को तो कुछ किया नहीं, हमने कॉन्शियसनेस को डिवाइड कर दिया। इस बॉडी में कॉन्शियसनेस अलग है, उस बॉडी में अलग है, उस बॉडी में अलग है, उस बॉडी में अलग है। जब हम जाते तो हमारा कॉन्शियसनेस हमको साथ लेके जाना पड़ेगा, वहां मिले नहीं मिले। सो वी हैव डिवाइडेड कॉन्शियसनेस। तो ये जो डिवीजन है कॉन्शियसनेस लेवल पर नहीं है, बॉडी लेवल पर। ये बॉडी लेवल पर है। गॉडपाद इसी बात को शुरू से कह रहे हैं कि घड़े के अंदर जो आकाश है वो आकाश डिवाइड नहीं हुआ है। डिवीजन कहां है? घड़े में है, कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो जब उस कॉन्शियसनेस को हम बॉडी के अंदर सोचते हैं, द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञानम परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्या मुदरे चैव यथाकाश प्रकाशित। तो छांदो के उपनिषद में जो मधु विद्या है, उस मधु विद्या के द्वारा गौड़पाद जी कहते हैं इसी बात को बताया गया कि कॉन्शियसनेस तो सब जगह, लेकिन हमारा क्या सोचना हो गया कि हमारा स्पेशल, हमारा तो जैसे ये पेटेंट किया हुआ कॉन्शियसनेस, ये हमारे पास रहने वाला, ये हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे आप अपना ब्रीदिंग सिस्टम पेटेंट नहीं कर सकते। आपने जो सांस लिया आपकी हमेशा के लिए हो गई क्या? आप अंदर रोक लो, इस सांस को मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। आप ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप पेटेंट नहीं कर सकते हो, ये पृथ्वी मेरी है, कि जो मैंने भोजन किया मेरा ही रहेगा, मैं ही खाऊंगा। अरे कितने लोग खा चुके, कितने बार वो क्या क्या बन के आ चुका है। वाटर आपके पास जो आया वो आपके लिए परमानेंटली नहीं है, सर्कुलेट हो रहा है। तो उसको आप डिवीजन में नहीं बांध सकते हो। तो जब फाइव एलिमेंट्स आप डिवीजन में नहीं बांध सकते अपनी बॉडी के लेवल पर ही, फाइव एलिमेंट्स को भी आप बॉडी में नहीं बांट, नहीं हमारा ही है ये, अब जो मैंने खा लिया इसको मैं अपने पास ही रखूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। आप चाहो नहीं नहीं रहे निकले। तो बॉडी के अंदर जो चीजें गई और बॉडी के जो बाहर हैं, ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता। तो जब तक बॉडी के अंदर है तब तक उसके अंदर आइनेस आता है, जब बॉडी के बाहर थी तो आइनेस नहीं था। जब बॉडी के अंदर आ गए तो क्या हुआ? ईगो आ गया, आई। बॉडी से बाहर निकलेगी तो आईनेस खत्म। तो इसी तरह से वो जो आईनेस है वो हम पृथ्वी में भी कर लेते हैं। जो फ्रूट्स बाहर रखे तुमने खा लिए, अब वो हमारी बॉडी के पार्ट हो गए, तो हम कहते आई, वो भी इंक्लूड हो गया, पहले नहीं था। जो पानी पहले बाहर था हमने पी लिया, अब आई का पार्ट हो गया, आई, क्योंकि हमारी बॉडी की इनसाइड।
इसी तरह से बॉडी के अंदर जो डिवाइन आपने कर लिया कॉन्शियसनेस, उसको क्या बोलते हो? आई दयोद। तो गौड़पाद जी कहते हैं, इसलिए बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, बॉडी के अंदर बाहर जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस नॉट डिवाइडेड, द सेम, बॉडी में डिविजन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।